मिशन में, तो वो जो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के जरिए जो प्रॉब्लम आ रहा है 4 अरब की जो ट्रांजैक्शन, ये जो 18.8 मिलियन डॉलर्स जो आ नहीं सके हैं, जो क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस फेल हुई हैं, ये एक बहुत बड़ी अमाउंट है, 4.4 अरब पाकिस्तानी रुपए के बनते हैं। और हमने जब इसकी जाँच पड़ताल की, जब एनालिसिस की, तो ये 5 कैटेगरीज में ये फेलियर फॉल करता है। सबसे पहले तो 10.5 मिलियन डॉलर्स 3 लोगों ने भेजने की कोशिश की, और क्योंकि ये बहुत बड़ी सम थी तो उनके जो इश्यूअर बैंक्स हैं उन्होंने उसको ब्लॉक कर दिया। नंबर 2 कैटेगरी वो थी जिसमें ऑथेंटिकेशन फेलियर्स थे। ऑथेंटिकेशन फेलियर में यानी कि आपने, क्योंकि आपने वेबसाइट पर जाके डालना होता है अपनी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, तो या तो OTP और वो जो वन टाइम पासवर्ड है वो आपके फ़ोन पर आता है, तो या तो वन टाइम पासवर्ड गलत डल गया, या तो CCV नंबर जो 3-डिजिट नंबर क्रेडिट कार्ड के पीछे होता है, या वो आपने गलत डाल दिया या डाला ही नहीं। तो ये 2.7 मिलियन डॉलर्स का जो फेलियर था ये ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड था। जो 3.7 मिलियन डॉलर्स की जो फेलियर्स थे, जो तीसरी कैटेगरी थी, ये वो फेलियर्स थे जहाँ पर इश्यूअर बैंक ने ट्रांजैक्शन ब्लॉक की थी, या तो जो, और इसकी वजह ये थी कि या तो जो कार्ड इस्तेमाल हो रहा था उसकी लिमिट नहीं थी, और या तो कार्ड की पेमेंट डिलेड थी, या तो उस कार्ड पे किसी वजह से डू नॉट ऑनर का साइन था और इस वजह से वो ट्रांजैक्शन ब्लॉक हो गई। जब हमने इसको डिग डाउन किया तो पता चला कि ये दोनों बैंक्स के एंड्स पे प्रॉब्लम हो सकता है, हमारे एंड रिसीविंग एंड वाला बैंक भी और वहाँ के बैंक का भी। तो इसको हम फर्दर एनालाइज कर रहे हैं कि ये एग्जैक्टली क्यों हुआ था और इस हम क्या किस तरह से तदारुक कर सकते हैं। कंप्लीट कर लें प्लीज़। जी, 2 और किस्म के फेलियर्स भी थे। 1.3 मिलियन डॉलर्स का जो था वो टेक्निकल एरर था, या तो सिस्टम उस वक्त डाउन था, और कुछ जो पहले कुछ दिन थे 29 अगस्त के बाद हमारे यहाँ के बैंक ने $10,000 की लिमिट डाली हुई थी, तो अगर कोई $10,000 से ज़्यादा भेजता था तो वो बैंक उसको ब्लॉक कर देता था, जो बाद में हमने सीलिंग हटा दी थी। तो ये चौथी कैटेगरी थी। और जो पांचवी कैटेगरी थी 0.8 मिलियन डॉलर्स की, वो उसको टेक्निकली कहते हैं ब्लॉक्ड बिन्स, यानी कि उन क्रेडिट कार्ड्स में वाकई कोई फैटिव टाइप के प्रॉब्लम्स थे। तो ये 5 डिफरेंट कैटेगरीज थी। अब हम इसको डिटेल में एनालाइज भी कर रहे हैं, और जो इन तमाम लोगों ने जो ये ट्रांजैक्शंस की थी, एक एक करके हम उनसे कांटेक्ट करेंगे और उनको फैसिलिटेट करेंगे कि अगर क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती तो वो ये पैसे वायर ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं बाहर से। सो 18 मिलियन डॉलर तकरीबन, यानी कि 4 अरब रुपया, ये इसके लिए अभी सानिया ने आपको बताया कि मुख्तलिफ वजूहात से 4 कैटेगरीज में क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से ये पैसा अभी तक नहीं आया, और वो हम अब इन्होंने कहा कि बैंक के साथ बैठ के और कोशिश कर रहे हैं कि ये पैसे को वापस लेके आए पाकिस्तान, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है। हमने उसके बाद जो आपकी सेकेंड चीज़ आपने लोगों को समझाना है कि हमने ये फिर कैसे पैसा किस मद के अंदर लोगों के पास पहुँचाना है। जी, हमने पहले बहुत मशावरत की और फिर हम प्रोविंसेस के साथ बैठे, और सैलाब के बाद बहुत सी मदों में इमदाद दी जाती है, हाउस डैमेज, क्रॉप डैमेज, लाइफ स्टॉक डैमेज, लाइफ लॉस्ट इंजरी। तो हमने ये फैसला किया कि हम हाउस डैमेज की मद में असिस्टेंस देंगे। उसके लिए एक स्पेशल सर्वे डिज़ाइन हुआ और वो सर्वे डिजिटल है, बाकी तमाम जो सर्वे हैं वो कागज़ों पे हो रहे हैं, मगर हमारा ये जो सर्वे है हाउस डैमेज का, ये सर्वे डिजिटली हो रहा है। उसके लिए एक ऐप बनी है, वो ऐप जो है लोगों के एंड्रॉयड सर्वेस के एंड्रॉयड फ़ोन पे खुल जाती है। और जो कल ही हमने KP में जो सर्वे टीम देखी है, वो एक शख्स सर्वे नहीं करता, उस टीम में बहुत से लोग होते हैं। उसमें नंबर 1 जो KP गवर्नमेंट के जो स्कूल और हेल्थ मॉनिटर्स हैं, उनके पास तकरीबन 1000 स्कूल और हेल्थ मॉनिटर्स हैं जिनका एक फ़र्द टीम में शामिल होता है। इसके अलावा CNW सिविल वर्क्स डिपार्टमेंट्स का एक
नुमाइंदा शामिल होता है ताकि वो डैमेज को देख के एसरटेन कर सके। एक इरिगेशन डिपार्टमेंट का रिप्रेजेंटेटिव शामिल होता है, एक उसमें फौजी जवान शामिल होता है और एक लोकल पटवारी शामिल होता है। वो घर को देख के ये जांच करके कि वो फुली डैमेज